मोबिन भाई शुरू कीजिए। मुझे लगता है कॉमेडी सर्कस का ग्रैंड फिनाले वीक है, इसमें बेइज्जती नहीं बनती। मैं कुछ बातें दिल से कहना चाहता हूँ, ओहो हो तो मैं कह के रहूंगा भाई ये बाबू भाई देखो मेरे दवा का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए था। आप जैसे कैरेक्टर्स करते हैं, आप जैसी वेरिएशन देते हैं, आपके अंदर जो सादगी है, जो आप स्टेज को संभालते हैं, आप में जो सिंपलिसिटी है भाई, इसका कोई मुकाबला ही नहीं। सीरियसली मैं ये कहना चाहूंगा कि चलो मेरी तारीफ तो हर कोई करता है। नहीं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, अगर अनिल कपूर कंफ्यूज हो तो आपके पास आके पूछता भाई वो झकास कैसे बोलता है। इंडिया में सिद्धार्थ से अच्छा फिजिकल कोई नहीं करता। क्या टाइमिंग है सिद्धार्थ के, एक बार सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। मैं एक चीज इसके लिए कहना चाहता हूँ, एज से कोई लेना देना नहीं है, इस उम्र में भी आदमी बड़ा हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, आपसे अच्छा वर्ड प्ले इंडिया में क्या कोई वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। वाह यार क्या बात है। ये अचानक दूसरे की तारीफ क्यों कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमागों में? क्योंकि इस सैटरडे संडे के बाद शो खत्म होने वाला है, तो आपस में बना के रखते हैं ना, साथ में स्ट्रगल करेंगे। हाँ, ये साथ में स्ट्रगल करेंगे सब। यस, और साथ में नहीं स्ट्रगल करेंगे, साथ में स्ट्रगल करेंगे। मेरे पास बहुत काम है, चलो निकलो। एक बात बोलूं, साथ में स्ट्रगल करेंगे मोबिन भाई। नहीं नहीं भाई, सुनो ना, अनिल कपूर के आज मैं काम मांगू ना। अब शुरुआत करनी है तो मैं सोचता हूँ फिर मोबिन भाई हमारे एक्ट से ही शुरू करना चाहिए। और शुरू करने के लिए आपको बता दें कि आज बहुत बड़ा काम होने वाला है। सलमान भाई की शादी की तैयारी कर रहे हैं सोहेल भाई और अरबाज भाई, जोरदार तालियां और जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि आ रहे हैं सलमान भाई बन के सिद्धार्थ, मुबीन आ रहे हैं एज अरबाज भाई एंड सिद्धार्थ एज अरे मेरे भाई सोहेल भाई, जोरदार तालियां। मेरे भाई आया अच्छा, मेरे भाई अरे मेरे भाई अरे वो बच्चा कहाँ गया जिसको मैं नहला रहा था? सोहेल भाई, I am सोहेल भाई। अरे बाप रे बाप। सोहेल भाई, आपको याद होगा आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि जो तुम लोग कर रहे हो, जैसा तुम लोग करते हो, बहुत बहुत अच्छा करते हो, और सलमान और शाहरुख को 30 साल लगे अपना करियर बनाने में, तुम 13 सेकंड में ऐसे बर्बाद कर सकते हो। आज इसलिए मैं सोहेल बनाऊ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों ने अपना कमेंट्स देखे, हम लोग को आबाद किया है, हम लोग को इतना बड़ा बना है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है सोहेल बन के कवर करना, लेकिन मैंने किया है। आज हम वो करने वाले हैं जो कोई नहीं कर सकता था, लेकिन आज 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 हम अंजाम देंगे। आज आज हम कई बार ना बहुत सारी चीजें बोलना चाहता हूँ लेकिन वो दिमाग में तो होती है, लेकिन वो ऐसे कई बार मेरे को भाई, आज हम सलमान भाई की शादी करवाने वाले हैं। आज हम सलमान भाई के लिए जब फैसला, क्योंकि मैं अकेले नहीं ले सकता, इसलिए मैंने बड़े भाई को बुलाने का फैसला किया। जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई के लिए। छोटे, हाँ भाई, टाइगर बहुत आजाद घूम लिया। आज तो भाई के लिए लड़की लेकर ही जाएंगे। भाई भाई, मैं तो आपको इस चक्कर में तो मैंने आपको इधर बुलाया, मैं मैरिज ब्यूरो में। ये मैरिज ब्यूरो है? हाँ भाई, यहाँ पे मैंने सुना जो मैरिज ब्यूरो की ओनर है वो बहुत सही है, वो लड़की इतने उसने बोला अच्छी अच्छी लड़कियों की फोटो भी दिखाएगी, और मैंने सुना ऑर्डर पे लड़की भी बनाती है भाई। ये मैरिज ब्यूरो वाली है या तांत्रिक है? भाई आप टेंशन मत लो, जस्ट चल चल बाजा। अरे चिल्ले, मुझे तो डर लग रहा है भाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं आपको बताऊं भाई, ऐसा हम कुछ गलत नहीं कर रहे, मारेंगे क्यों? जब कुछ गलत नहीं कर रहे मारेंगे क्यों भाई? मारेंगे नहीं छोटे, मारेंगे नहीं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मार तो वो वैसे भी नहीं सकते, उनकी चप्पल छुपा के आया हूँ, क्या पहन के आएंगे? क्यों पहने भाई, ये तो मैंने भी नहीं सोचा।
मैरिड करो वाली लड़की किधर? हाय सुहेल सर। अरे कैसे हो, कैसे हो करिश्मा? मुझे तुमसे बात करनी है जो मैं तुमसे कभी नहीं कर पाया। तुम बताओ करिश्मा, पूरा सीजन क्या है? मैं तुमसे कहना चाहता था, देखो कॉमेडी सर्कस था, मैं तुम्हारे गंदे पंचों को भी अप्रिशिएट करता था, लेकिन अभी सर्कस बंद हो गया है। अभी तुम मिली ना तो पीछे वाला ऐसा करके यूं मारूं। सर ऐसे क्या बोल रहे, प्लीज। अच्छा चलो छोड़ो, अब सीरियस मुद्दा, मुझे वो तीन शब्द कहने हैं। हाँ बोलिए। चल निकल यहाँ से। ये मेरा मैरिज ब्यूरो है और मैं यहाँ पे शादियां कराती हूँ। छोटे चलते हैं यहाँ से, जिसकी टाइमिंग इतनी खराब है उसकी चॉइस कितनी खराब है। अरे अरे प्लीज देख लीजिए ना। मैंने बोला तेरे को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे लड़कियां देख लीजिए। क्यों, तू लड़की नहीं है? अरे अरे बाप रे। शादी के लिए लड़की देख लीजिए। ये उछल के बाहर गिरेगा, मुंह पे गिरेगा। शादी के लिए लड़की तो दो मेरे लिए दिखा, 40 इसके लिए। तू पागल है क्या? भाई के लिए लड़की देखनी हमको? आपके भाई कौन है? राजपाल यादव। तेरे को पता है हमारी एक्टिंग देख के सुरेंद्र के तबले पहचान गए हम किसके भाई है, तेरे को पता है? भाव तो ऐसे खा रहे जैसे सलमान खान के भाई हो। छोटे मेरे को लगता है इसको मिमिक्री करके बताना पड़ेगा तब पहचानेगी। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। अक्कल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? सुनील शेट्टी। आपको इसलिए मना करता हूँ भाई, प्लीज नसीर साहब के मिमिक्री मत क्या करो। मैं मिमिक्री करके दिखाता हूँ। हाँ आप करके बताओ। हाँ नहीं भाई, रहने दो, ये एड़ी है। मुश्ताक खान करके बेइज्जती करेगी। चल चल, हम सलमान भाई का भाई है। पर उनके भाई तो अरबाज और सोहेल है। उते लगता है 25 एपिसोड का बदला ले रही है। बताना बताना, सलमान भाई के भाई है लड़की। मैं कैसी रहूंगी? छोटे वो भाई की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उनकी फ्रेंच दाढ़ी थी? केक। वो ही मारूंगा तेरे मुझे। प्लीज एक बार मिला दो, शायद पसंद आ जाऊं। वो हाथी के गले में क्या है? घंटा। ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अनीता, टीवी की टॉप एक्ट्रेस है। अरे अरे ये कौन है? भाई ये वही लड़की है जिसके साथ फिल्म करके मैं आज तक पछता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे ये तो वही है ना, वही है ना जिसको तू नींद में भी गाली देता है। अरे देखो ये टीवी की टॉप नागिन है। तो तेरे को हमारे भाई का सपेरा लगता है? अच्छा ठीक है, ये देखिए ये है सना। तो हमारी तरफ से मना है। तो सर ध्यान से देखिए, शायद दो चार पंच और आ जाए। नहीं नहीं मेरे भाई, तस्वीर दूर करो, क्या पता पंच से पहले उल्टी आ जाए। पंच आए, पंच आए। छोटे तस्वीर दूर कर, भाई बिगड़ रहे हट। पर एक्सप्रेशन तो काफी अच्छे लग रहे थे। एक्सप्रेशन जज करेगी भाई के? मुंडी पकड़ के ना पैर के नीचे जस्ट चिलचिल कर दू। और मैं भी ऐसे बाल पकड़ के दीवाना दीवाना कर। अच्छा ठीक है ना, ठीक है ठीक है, मैं एक और ऑप्शन दिखाती हूँ। ये देखिए ओजस्वी। इससे भी कुछ खराब है तो दिखा। अरे भाई आपको पता है चेहरा एक दिन दिल से शेव कर लेना, इससे ज्यादा सुंदर लगेगा। अच्छा oh my God, मेरे पास परफेक्ट मैच है, समवन फिट। ये देखिए क्या हुआ भाई?
आप मुझे दिखाओ, मैं मैच को मारूंगा भाई, बताओ। नहीं छोटे, मत देख, डरेगा छोटे। नहीं नहीं मैं नहीं, मैं क्यों डरूंगा भाई, जस्ट चिल भाई। नहीं छोटे, घबरा जाएगा छोटे। नहीं 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 डरूंगा भाई, दिखाओ ना मेरे को आप। चली गई सर, खाते पीते खानदान से। खाते पीते खानदान से ठीक है, लेकिन दूसरे का चुरा चुरा के खाते पीते खानदान से। पता है जब मैं जज करता था ना साथ में, हाँ भाई, तो मेरे टिफिन में से बिरयानी चोरी करके खा लेती थी। अरे बिरयानी बिरयानी खाओ, लेकिन बोटी बोटी चुन के कौन खाता है। और तो और मालूम है टिफिन भी खा जाती थी। और पन जस्टिफाई करने के लिए कहती थी बॉडी में आयरन की कमी है। नहीं यार, तो ये तो मैंने भी नोट किया है भाई, आपको तो पता, कभी कभी शूटिंग में मैं जाग भी जाता हूँ, मैंने देख लिया। अरे यार सलमान भाई का पूरा भात बटाएंगे ये। तो डबल हम लोग अकेले भी उठा लेते हैं भाई के बग ऐसे। एक मिनट, सलमान भाई का फोन आ रहा है भाई। भाई मैं क्या, हेलो, हाँ भाई, नहीं भाई मैं डोसा बना रहा हूँ भाई। नहीं भाई, अरे नहीं भाई, अरे भाई मैं पूछा लगा। अरे भाई इनको पता लग गया भाई को। भाई भाई तू 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 संभाल, अंदर मत आने देना भाई, मैं ना आपको अंदर नहीं आने दूँ। अच्छा सुनो, छोटे तो गया, भाई की कोई साली वाली है कि हमारा भी दिल लगा रहेगा। सर आप मेरी शादी करा दीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो शादी छोड़ो, खाना बनाने आ जाओ घर पे। देखिए सर, आपको पता नहीं मैंने बहुत सारी भोजपुरी फिल्म्स की है। अच्छा तो यहाँ क्या कर रही हो, जाकर कहीं आइसक्रीम बेचो। अच्छा ठीक है सर, ये अभिलाष कैसी रहेगी, बहुत अच्छी लड़की बनती है। कैसी रहेगी, ये तो बहुत गंदी है। सर उसको बुरा लग जाएगा। बुरा लग गया मेरे दबंग से। सर बुरा लग गया, बुरा लग गया तो मेरे दबंग टू से। क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? किससे बात कर रहे हो? क्या चल रहा है? भाई वो हम फिल्म की शादी के लिए लड़की देखने आए थे। अच्छा मैरिज ब्यूरो में? हाँ तो वो शादी वाला सीन है ना मेरी ब्यूरो में। अरे यार तुम लोग फिल्मों में शादियां करवा रहे हो या भाई कुमारा बैठा है। भाईजान हम आपके लिए ही लड़की देखने आए थे। यही पता कर रहे थे मुझको, मुझे मालूम, यही कर रहे थे तुम लोग। वो किधर गया, वो जस्ट किधर गया वो? एक की पिक्चर खत्म होती दूसरा आ जाता। भाई करो ना भाई फिल्म करो ना। दूसरे की खत्म होती पहला आ जाता। भाई करो ना भाई। भाई शादी कर लो, हमें आपका अकेलापन देखा नहीं जाता। तुमसे मेरी आजादी नहीं देखी जाती। नहीं कर रही मुझको शादी। अरे सर देख तो लीजिए। मन नहीं है। प्लीज लड़की देख लीजिए, शायद इरादा बदल जाए। सर भाई ये सना है। सर 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 देख तो लीजिए। सर मैं कैसे रहूंगी? मुबारक हो भाई को, तुम बहुत बुरी लगी। ये क्या कर रहे? टाइगर को कोई बेड़ियों में बांध नहीं सकता है, टाइगर खुला तो हमेशा रहेगा। समझ गई, खत्म करो। This has been one of the finest episodes on Comedy Circus. This season, this whole team should come back soon together. And because
जितना मैं हंसता हूँ मैं पूरे हफ्ते नहीं हंसता एंड दैट्स थैंक्स टू यू गाइस थैंक्स टू यू गाइस थैंक्स टू पता है आज दूसरी दुनिया से कोई आने वाला है मुझे मालूम था गौरव जैसा कर रहा है इस दुनिया का तो कोई नहीं सुनेगा अरे नहीं नहीं उसी के एक्ट में कोई दूसरी दुनिया से आ रहा है सही बात है जैसा वो कर रहा है उसको संभालने के लिए दूसरी दुनिया से ही किसी को बुलाना पड़ेगा अरे यार इसको समझ में नहीं आ रहा है अर्चना जी आज जो सना अभिलाष और गौरव पागलपन करने वाले उनको देखने के लिए दूसरी दुनिया से यानी कोई दूसरे ग्रह से मतलब आप टाइप का कोई कोई ऐसा आने वाला है ये दिखाने के लिए आ रहे हैं अभिलाष गौरव और सना जोरदार तालियां फाइनली आज मैं स्टैंड अप करने वाली हूँ सोहेल बलराज पारितोष जा अपना काम कर आप लोगों ने मुझे पहचाना मैं रोहित की माँ हूँ रोहित की पा 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 पहचाना पहचाना एनीवे मेरा रोहित है बड़ा स्टूपिड कोई भी उसे चॉकलेट देता है तो वो उसे पापा पापा कहने लगता है अब इसके चक्कर में मेरा नाम खराब हो रहा है मैं आ गया माँ मैं आ गया माँ पता है मैं तुझसे बचपन से एक चीज छुपा रहा था माँ आज मैं दिखाना चाहता हूँ माँ तुझे पता ये देख माँ मैं आ गया माँ मैं आ गया मैं समझ गई कि तू आ गया मुझे कोई प्यार नहीं करता मुझसे सब नफरत कर रहे मैं रिटर्न करता हूँ क्या माँ बता मैं रिटर्न करता हूँ माँ मैं रिटर्न करता हूँ बोल मैं रिटर्न करता हूँ बोल मैं रिटर्न करता हूँ रोहित तुझे एक बात बताऊं आज मैं स्कूल गया था पता क्या हुआ क्या हुआ मैंने पढ़ाई की अच्छा टीचर ने मुझे होमवर्क दिया फिर मैं आ गया माँ मैं आ गया माँ पता है मुझे सब पागल कर रहे हैं नहीं 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 मेरा बेटा पागल नहीं है नहीं माँ सच में लोग मुझे पागल कर रहे हैं माँ कोई मेरे बेटे को पागल नहीं कहेगा कि मेरा बेटा बहुत माँ मुझे सब मारते हैं माँ मुझे सब मारते हैं आपको पता है कल एक आदमी किसी को चाकू से काट रहा था मैं उसको बचाया उसने मुझे फिर मारा उससे कहता है कि चलते ऑपरेशन डिस्टर्ब क्यों करते हो एक नंबर का गधा है कल तेरा रिपोर्ट कार्ड आने वाला था ना कहाँ है तेरा रिपोर्ट कार्ड माँ ये देखो माँ रिपोर्ट कार्ड आ गया माँ ये देखो माँ अच्छा ये रिपोर्ट कार्ड देख के ना शाहरुख अंकल बहुत खुश होंगे माँ सच्ची में वो कहेंगे बकवास मत कर फेल होके आया है सब जीके जीरो मैं फेल हो गया हूँ माँ मैं फेल हो गया हूँ इसीलिए मैं जादू को बुलाना चाहता हूँ माँ मैं जादू को बुलाऊंगा मेरा कंप्यूटर कहाँ है माँ मेरा कंप्यूटर कहाँ है देना मैं अभी जादू को बुलाता हूँ माँ अभी बुलाता हूँ मैं जादू को अभी तक रिप्लाई आएगा माँ ओए 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 माँ अभी ना लगता जादू आ रहा है माँ लगता जादू आ रहा सब नहीं हिल रहा है करंट लग रहा है हाथ छोड़ और वैसे भी मुझे नहीं लगता हमें जादू को बुलाना चाहिए नहीं माँ जादू को बुलाओ माँ मुझे उसकी भाषा आ गई माँ मैं जानता हूँ कैसे आता है माँ अच्छा बता हाँ माँ ये देखो माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग ये क्या कर रहा है सच में माँ एलियंस अपनों की आवाज में जल्दी आते हैं माँ दो तो अरे वाह हट इधर से अरे वाह जी वाह एक मिनट ये क्या कर रहा है बेटा मुझे पता है तुझे सांपों के झुंड ने काटा पूरी बॉडी नीली पड़ गई है नहीं बेटा हम लोग है ना वहाँ पर ऐसा ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे अंग टेढ़े मेढ़े हैं जैसे हमें सोचना होता है तो हम ऐसे ऐसे सोचते हैं ताली बजानी होती है तो हम ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं बेटा ये सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है अब जब मैं एंटर किया था
तो तूने हाथ समझ के जहाँ पे मुंह लगा दिया था जहर निकालने के लिए, वो मेरा हाथ नहीं है। तो फिर क्या था? बेटा लाफ्टर बहुत ज्यादा आ गया, कवर करना पड़ेगा। वो बेटा मेरा पैर है। मैंने सुना है मंगल ग्रह में ग्रेविटी भी नहीं है। हाँ ग्रेविटी नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो सूरज है ना वो बहुत पास है, अंगड़ाई लो तो हाथ जल जाते हैं। जैसे बीच में है ना, यहाँ पहले उंगली हुआ करती थी। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? अरे किसी ने सिग्नल दिया था यार। अच्छा ऐसे बोला ना? ऐसे बोला था। अबे मैं अंतरिक्ष यान चलाता हूँ, रिक्शा नहीं चलाता हूँ। पों 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 पों। जादू तुम प्लीज थोड़ा पावर ना मेरे बेटे में डाल दो, वो बहुत स्टूपिड है। देखना अभी मैं एक सवाल पूछूंगी इसको, ये बताओ 4+4 क्या होता है? 8। तुम्हें कैसे पता? सब पता है सच में। पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को 4 से माइनस करो, फिर उसके बाद 6 को 7 से डिवाइड करो, फिर तुक्का मारो लग जाता है। देखा मैंने कहा था, एक नंबर का गधा है, कुछ नहीं आता ऐसे। नहीं मुझे सब आता, मुझे सब पता है। तुझे सब पता है ना बेटा, तब बाप के गले तो लग जा। ये बहुत गलत है। आप नहीं, मैं कह रहा हूँ पापा के गले लग जा, फोटो लेके आया हूँ। क्या ताली बजा रहे खड़े खड़े हो? अरे छीछी कितने गंदे पापा है, तुमने गंदे इंसान से शादी की। नहीं नहीं मैंने गंदे इंसान से शादी नहीं की, ये तुम्हारे पापा है, शादी तो मैंने इनसे की है। अब क्या बात कर रहे हो, आपने गलत पोस्टर उठा लिया माँ। आपने गलत पोस्टर उठाया माँ। पापा किधर गए माँ? मेरे पापा खो गए, मेरे पापा खो गए। वो टकले से थे माँ, मैंने पंच बनाया था माँ। बेटा ओह गॉड, तुम्हारे पापा सोफे के नीचे सो रहे हैं। मेरे पापा को ढूंढो, मेरे पापा किधर है? ये ना माँ, मेरे पापा मिल गए माँ। अब वापस से उसको उठाओ माँ, जल्दी से। माँ कसम इतना ड्रैग तो हमारे प्लेनेट में भी नहीं होता है। माँ इतने गंदे इंसान से शादी की तुमने माँ? नहीं नहीं बेटा, मैंने गंदे इंसान से शादी नहीं की, ये तुम्हारे पापा है, शादी तो मैंने इनसे की है। माँ 4 सिक्कों के लिए गुल्लक से शादी कर ली माँ। ये बहुत गलत है माँ, ये बहुत गलत है। माँ बचपन से मैंने एक बात आपसे छुपाई थी माँ, आज मैं बताऊंगा माँ। क्या? मैं आ गया माँ, मैं आ गया, मैं आ गया। सच में मैं राइटर बनना चाहता हूँ, सच में। यू नो व्हाट, वैसा राइटर बनूंगा मैं माँ। मुझे जादू की मदद चाहिए, जादू तो मेरी मदद करोगे ना? हाँ कर देंगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब तक कर ही रहे हैं। ठीक है मैं राइटर बनूंगा, मैं गाना लिखूंगा, इसको ऐसे पकड़ो जादू। ये फंसाना पड़ेगा, 2 उंगलियां होती हैं हमारी पूरी। अरे वाह, अब मैं गाना लिख रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। अरे वाह, मुझे गाना आ गया वाह, मैं राइटर बन गया, यूट्यूब राइटर बन गया वाह। इसी हरकतों की वजह से तो छोड़ के गया था मैं। जानू क्या चीज पैदा कर दी हम दोनों मिलके। क्या बोल रहे माँ, क्या बोल रहा है? इसके साथ रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। जा आ जा, मैं तो लोहे की चुम्मा अपने साथ चल। ओए 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 ओए, नहीं तू नहीं जाएगी। ओए ओए प्लीज, मैं जादू से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं ओए तू नहीं जाएगी। मैं दिलवाला इस दुल्हनियों को लेकर जाऊंगा। ओ ये बेटा एक मिनट बाद एक बलराज। नहीं थैंक यू। तुम्हें पता है पारितोष की हालत खराब है। खराब तो होगी ही, क्योंकि हर आदमी के पीछे अगर एक औरत का हाथ हो तो वो खास हो जाता है, लेकिन 2 औरतों का हाथ हो तो उसका सत्यानाश हो जाता है। अरे मैं एक्ट की बात कर रही हूँ, तुम्हें पता है इस एक्ट में पारितोष अजनू बना है। अजनू नहीं मजनू होता है, मजनू। अरे पारितोष है, वर्ल्ड प्ले चलता रहता है, अजनू मजनू इसका चलता रहता है। सो प्लीज वेलकम पारितोष, ओजस्वी एंड अनीता।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको चॉकलेट क्यों पकड़ाई है। हाँ, क्यों? दरअसल क्या है ना, आज मैं पहली बार स्टैंड अप कर रही हूँ तो क्योंकि आज मैं पहली बार स्टैंड अप कर रही हूँ तो आपके हाथ तो भरे हुए होने चाहिए ना, पता लगे कुछ गड़बड़ हो जाए और मुझे थप्पड़ पड़ गया तो। ए सुन बे ढोलकी के, जितना ओवर तू कर रही है ना, हो सकता है वो डोले चला के मारे तुझे। मैं स्टैंड अप खराब कर दूं और आप मेरा मुंह तोड़ के मेरा स्टैंड अप क्या, मेरा तो मुंह भी खराब कर दे। अरे बाप रे, वैसे खराब से मुझे याद आया, आपने लैला मजनू का नाम तो सुना ही होगा ना। हाँ, तो कल है लैला की शादी और उसकी शादी खराब करने आएगा पक्का मजनू, जैसे बलराज का स्टैंड अप खराब करने के लिए आती है अदिति। वैसे तो मैं सना का भी नाम ले सकती थी, लेकिन क्या है कि एक पंच के लिए मुझे बाकी सब खराब नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। हाँ तो भाइयों और बहनों, सुनो सुनो सुनो, 26 एपिसोड से डायरेक्टर की गाली सुनती आ रही है, जिसकी भी सुनो। प्लीज इग्नोर, सुनो सुनो सुनो। अबे क्यों सुने, तू कौन सा कुमार सानू है, और सुन कुमार सानू का हे हे भी तुझसे अच्छा होता है। देख ऐसे लोग होते हैं, स्टैंड अप के लिए तो भेज देते हैं लेकिन पीछे बैठ के खुद ही डायलॉग बोलते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, हाँ हाँ बजा लो बजा लो बजा लो। मुझे ऐसा लगता है ये ना अपनी सुहागरात में भी अकेले सब कुछ करेगा। कैसे? फाइनली सुनो, तो कल है लैला की शादी, अब सुन लो आंख मीच के, अगर मजनू दिख जाए तो पत्थर मारो उसे खींच के। हाँ क्यों, समझ में नहीं आता? अब बोलो ना अपनी लाइन। सूरज चांद सितारे रात को ढलते निकलते क्यों हैं? अगर स्टैंड अप करना नहीं आता तो लोग करते क्यों हैं? आप सोच रहे होंगे इसको हम आज पहले क्यों भेजे, एक्चुअली सीजन खत्म हो रहा है, किसी ना किसी पे तो इल्जाम लगाना है ना। ये हमसे रोज कहती थी, हमें पहला भेजो पहला भेजो पहला भेजो। कसम खुदा की इसको हम पहला भेजते हैं, जैसे शूट खत्म होता है सबसे पहले इसको भेजते हैं। जाओ जाओ जाओ, हो गया, खराब कर लिया, बहुत बढ़िया से जाओ निकलो। अब वो करते हैं जहां से एडिट में लगेगा। अर्ज किया है, मोहब्बत की हर आरजू हमारी मुरीद हो गई, मोहब्बत की हर आरजू हमारी मुरीद हो गई, लैला ने देखा हमें एक नजर, मजनू की ईद हो गई। वैसे मैं हूं मजनू। अरे एक मिनट खड़ा, अरे ठहरो भाई, सलाम मजनू का पत्थर से क्या रिश्ता है? मजनू का नाम सुनते पत्थर मारने लगते हैं। एक आदमी को मैंने बोला मुझे पत्थर मत मारो, तो कमबख्त ने चप्पल मारा, वो भी मुंह के अंदर। कल हम एक्सरे करवाने गए थे, डॉक्टर ने बोला मुबारक हो आप उम्मीद से हैं, चप्पल आ गई है, धीरे धीरे पैर आएगा, फिर पूरी बॉडी आएगी, फिर मुंह। वैसे सच बताएं तो ये सब हम लैला के लिए सह रहे हैं, मोहब्बत में आदमी सहता रहता है। सुना है लैला का निकाह किसी और से तय हो गया है। नफरत का बीज मोहब्बत की जमीन पे बोने नहीं देंगे, नफरत का बीज मोहब्बत की जमीन पे बोने नहीं देंगे, हमारी चारपाई पे कोई और ले खराटे ऐसा हम होने नहीं देंगे। अरे अरे यार, अरे मत मारो यार मत, अरे अजीब। कैश कैश सुनो, कैश कैश नहीं, हमारा नाम कैश है। एटीएम जैसी शक्ल क्या देती है, ऊपर वाले ने पैसे के पीछे पड़ी रहती है। अरे भूखा औरत तीन तीन शो कर रही है, कितना पैसा जुटाएगी? मजनू ये लीजिए, मैं गुल्लक तोड़ के लाई हूँ। शुक्र है तेरा ये गुल्लक तोड़ के लाई है, अगर हमारा भरोसा तोड़ के लाई होती तो इससे ज्यादा हम बिखर जाते। वाह वाह मजनू, ये आपने क्या किया, ये पैसे आपके इलाज के लिए थे। हमें क्या हुआ है, क्यों इलाज? अब पता नहीं कहाँ कहाँ पत्थर पड़े हैं, हमारे बीच में सेंटी जैसा तो कुछ जरूर हो सकता है पर मंटी जैसा कुछ नहीं हो सकता। सुनिए मोहतरमा, लगता है आपको हमारी काबिलियत पे एतबार नहीं है,
आज भी सूखे दरख्त पे रात गुजार दें तो अगले दिन उसका कटहल निकल आता है। कद्दू जैसी शक्ल है और बातें कदल की। आप रेत के मजनू हैं या खेत के? फिलहाल तो हम खेत वाला ही महसूस कर रहे हैं। आपका निकाह किसी और के साथ तय हो गया है, हमारी जिंदगी में तो ले दे के टिंडे ही रह गए ना। मजनू मजनू मजनू, अब ये सारी बातें करके कोई फायदा नहीं है। तो सुनिए, 30 रुपए का ऊन खरीदते हैं, स्वेटर बना के 60 में बेचेंगे। इससे क्या होगा? फायदा है ना 30 रुपए का। क्या फालतू बात कर रही है? मोहब्बत में नफा और नुकसान नहीं देखा जाता। अगर फायदे की बात होती तो परमीत अर्चना से कभी मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत नशा है। और ये नशा है ये आपसे किसने कहा है? परमीत ने कहा, क्योंकि होश में ऐसी गलती नहीं होती है। सुनिए, आप हमसे निकाह कर लीजिए। नहीं कर सकती, अब्बू तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? मैं उनका जेठ लगता हूँ क्या? आप हमसे शादी कर लीजिए। मैं नहीं कर सकती। तो ऑटो कर लीजिए। अरे रेगिस्तान में ऑटो थोड़ी ऊंट होते हैं। तो ऊंट कर लो, हम पटांग कर लेंगे। मोहब्बत में ऊंट पटांग चीजें होती रहती हैं। सुनिए लैला, आप हमसे शादी कर लीजिए। मजनू, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे किसकी आवाज थी? हम आ गए। अच्छा तो बताइए क्या लेंगी, गर्मा गर्म एग्जिट या ठंडा ठंडा पॉज? ये क्या फरमा रहा है? फरमा रहा है उर्दू, आज उर्दू में खराब करेगी। सुनो, आमदे वजस्वी, फंबले जुबान, खराशे हथेली, रसीदे थप्पड़। ये क्या है? उर्दू में बेइज्जती? मुझे उर्दू नहीं आती। उर्दू भी नहीं आती, कॉमेडी नहीं आती, एक्टिंग नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, तो तू यहाँ क्यों आती? खबरदार, तुमने मुझे कुछ कहा तो वरना तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। कर दो कलम। ये मजनू फिर भी महकता रहेगा, ये आंखें फिर भी खुली रहेंगी, ये दिल फिर भी धड़कता रहेगा। कॉमेडी के नाम पे शायरी बेचने वाले भोजपुरी मजनू, तो ज्यादा बोल मत वरना ऐसा हाल करूंगी ना, ना सुनने का रहेगा ना बोलने का। ए, 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 मेरे मजनू के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? अरे उसे ज्यादा बातें होती है, अगर उसने तेरी बेइज्जती करना शुरू किया ना तो तेरे करियर के साथ साथ एक्ट भी खराब कर देगा। मोहतरमा, आप इधर देखिए, सुनिए, आप हमारी सांसों में बसी हैं। लेकिन मुझे सांसों में नहीं बसना, अगर छींक आई और इनके नाक से मैं निकल गई और मेरा पैर टूट गया तो? अपने शो के ग्राफिक जैसा जोक मारा है। मतलब? ना समझ में आया ना मजा आया, एकदम नकली लगा। लैला, इसीलिए कहती हो किस आदमी से प्यार कर रही हो? अरे ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले बहुत अलग थे। देखिए मजनू, मैंने आपसे बहुत सच्चा प्यार किया है, जिससे मेरी शादी हो रही है उसे मेरा जिस्म ही सही, आपके साथ तो मेरी रूह है रूह। एक मिनट, रूह भी उसको दे दो, मैं रूह का क्या करूंगा? अरे हम मजनू है, तांत्रिक थोड़ी है। कब मुझे कटी मुंडी का खेलना चाहते हुए देखा तुमने? हम जो है महेश भट्ट की जिस्म चाहते हैं, और ये राम से बरस की लटकती जवानी दिखा रही है। लैला, आप हमारे साथ भाग चलिए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। यार सुन ना, हम दोनों जब भी कुछ अच्छा करते हैं तेरा कुछ भी साथ नहीं मिलता है, पागल कहीं की। एक काम करते हैं, हम फंबल करते हैं, इसमें सपोर्ट मिलेगा तुम्हारा? वो अभी मैं तुमसे अच्छा करूंगी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर पंच है तो कहो, नहीं तो चुप ही रहो, मैं बता रहा हूँ, मूड मेरा पहले से ऑफ है, कहो। ठीक है, रहने देती हूँ। नहीं नहीं, फरमाइए। मजनू, क्या हमारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी? ये मोहब्बत है, किसी कॉमेडी का एक्ट नहीं जो यूं ही खत्म हो जाएगा। मोहब्बत कभी नहीं खत्म होती, मोहब्बत चलती रहती है। लैला मजनू ना सही, अर्चना परमीत बनकर, सोहेल सीमा बनकर, मुबीन अलसभा बनकर, अनीता रोहित बनकर, निकुल हीरल बनकर, और कॉमेडी सर्कस और सोनी बनकर। मोहब्बत मर ही नहीं सकती, इस कदर समाई है वो रूह की चद्दर में। अब रूह निकले तो वो निकले, और वो निकले तो रूह निकले। अरे पता है तुम लोगों को, हम कजिन के लिए लड़की देखने गए थे, हमने पूछा लड़की क्या क्या बना लेती है, तो उन्होंने कहा लड़की सेल्फी लेते वक्त पाउट बना लेती है।
अरे सिर्फ वो लड़की नहीं, आजकल हर कोई सोशल मीडिया में घुसा हुआ है। आज दिव्यांश बना है इंटरनेट का सताया हुआ पति, जिसकी पत्नी अदिति सारी रात फोन पे चैट करते रहती है और दिव्यांश करता है उसका वेट। सो प्लीज वेलकम अदिति बलराज एंड दिव्यांश। हैशटैग रोना नहीं है, हैशटैग हिम्मत नहीं हारनी, हैशटैग दोबारा काम मिलेगा, हैशटैग सीजन फिर से आएगा, हैशटैग चैनल का दिया हुआ लॉलीपॉप। अरे परमीत का कमेंट आया है। क्या आर्ची शूट जल्दी खत्म हो जाए तो बता देना, और गाड़ी तोड़ दूंगा पर तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। और फिनाले की शूट हो गई हो तो घर आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम किसी काम की नहीं बनी। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं गौरव के साथ फोटो अपलोड करती हूँ। हाँ ये अपलोड। 10,000 फॉलोअर कम हो गए, लाइव जाना पड़ेगा। काम हो गए। हेलो फ्रेंड्स, लगता है मेरा अकाउंट हैक हो गया इसलिए अश्लील फोटो अपलोड हो रहे हैं। नहीं मेरे फोन को क्या हो गया? अर्चना जी आपको पता है कल मैंने गधे के साथ फोटो अपलोड की, अपने आप ही परितोष टैग हो गया। सोचो बेचारी कितनी बेइज्जती है बेचारे गधे की यार। और तो और परसों मैंने उल्लू के साथ फोटो अपलोड की तो सोचो कौन टैग हो गया। एक सेकेंड। हेलो हाँ मम्मी। मम्मी एक्ट के बीच में ना डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट बिहेव लाइक बलराज की मम्मी, ओके? हेलो बलराज की मम्मी, आज ना स्टैंड अप मैं कर रही हूँ तो मैं जोक सुना देती हूँ। तो एक चीटी थी, चीटी के रिश्तेदार वाले हाथी के रिश्तेदार वालों से मिलने जाते चीटी का रिश्ता लेकर, पर हाथी वाले रिश्तेदार जो है वो चीटी को मना कर देते। पूछो क्यों? देखो कितनी बड़ी स्टार हूँ कि अपने एक्ट में अर्चना और सुहेल को क्यों देने के लिए रखा है मैंने। हैशटैग रोफर, हैशटैग आई एम सो फनी, हैशटैग फनियर देन बलराज भैया। कितनी भी फनी नहीं हूँ दिव्यांश, आ जा। अबे ओ यार हाथी नहीं चलता, तेरे हाथी चीटी वाले जोक कहाँ से चलेंगे? और ये बता कब से कॉल कर रहा हूँ, तू उठा क्यों नहीं रही? अरे मैं फोटो अपलोड कर रही थी। सुहेल भाई ये मेरी बीवी हर वक्त ऑनलाइन रहती है, कल मैंने इससे कहा कि ऑनलाइन पे जो भी तुम्हें बुरी नजर रखता है उसे ब्लॉक कर दो, इसने सबसे पहले मुझे ब्लॉक किया। और बड़ी बात तो ये है मेरे को करने के बाद मेरे बाप को भी कर दिया। और परसों इसने फोटो अपलोड की, एक लाइक एक कमेंट नहीं आया, ये बेहोश हो गई। मैंने 20 फेक आईडी बना के इसे होश मिलाया है। कॉमन दीज डेज, मतलब अमित जी की होंगी 200 फेक आईडी, प्रियंका की होंगी 500 फेक आईडी, सलमान भाई की होंगी 1,000 फेक आईडी, और तो लोग इतने वेले कि अर्चना जी की भी एक आईडी तो होगी। आपको पता अर्चना जी, अंग्रेजों ने हमारे देश को इतना गुलाम नहीं बनाया जितना 99 रुपए वाले रिचार्ज ने बनाया है। देखो क्या प्रॉब्लम है इतनी सोशल मीडिया से? हाँ तुझे पता है तुझसे बड़ा तो थम्स अप वाला इमोजी होता है। अरे एक तो इतना छोटा पति दे दिया है मुझे कि मुझे फेसबुक पे भी स्टेटस हाफ मैरिड का ही डालना पड़ता है। भाई जबरदस्त भाई, भाई जबरदस्त भाई, ए भाई, ए भाई जबरदस्त, भाई जबरदस्त 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 भाई। मैडम अपना तबला पीछे कर लो, इसके नीचे जाके मर जाएगा। दबर 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 भाई। और से तुम मुबीन कैसे हो? मेरे स्टैंड अप तो लंबा एंकर लिंक देने वाले लोगों कैसे हो? दबर 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 भाई। इधर भाई सॉरी, भाई सॉरी, अरे करेक्टर के चक्कर में मम्मी को भूल ही गया। हेलो मम्मी, मम्मी तुझे कब से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। इस चक्कर में बच्चे पहले एंटर कर गए आज स्टेज पे। मम्मी टेंशन की बात है, हंसा भी रहे। भाई आपको पता है मेरे को भी लगता था मेरे चार बच्चे हैं, लेकिन कल मेरे को मेरे पांचवे बेटे ने बताया कि चारों मिलके छठे को मारे। मैंने कहा मेरे चार ही हैं।
भाई प्रॉब्लम क्या है भाई? ये मेरी बीवी है। ये आपकी प्रॉब्लम है भाई। दबर 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 दबर। एक सेकंड ना डॉक्टर साहब, मेरे साथ एक सेल्फी। डॉक्टर साहब देख रहे हैं? देख रहा हूँ, नहीं तो भाजी फोटो खराब आ जाएगी। तो अरे यार डॉक्टर साहब, इसका इलाज करवाने लाया हूँ, सेल्फिया नहीं। आप ये दवाई ले लीजिए भाजी। चेक तो कर लो पहले। तो चेक करके भी यही दवाई देनी, यहाँ कोई और पड़ी है भाजी? तो यार डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? इसको ठीक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है भाजी। उल्टे हाथ का थप्पड़ी तो मारना भाजी। तुम्हें तमीज नहीं है, लड़की पे हाथ उठाओगे? मैं इलाज करते वक्त चैंडर नहीं देखता भाजी। अर्चना जी पता है इसे कोई आशीर्वाद नहीं देता। एक बार मेरी मौसी ने इसको बोला जुग जुग जियो, कहती ये कौन सी नई ऐप आई है, मुझे भी डाउनलोड करके दो ना। अरे डॉक्टर साहब इसका फोन छुड़वाओ, कुछ भी करके। भाजी कुछ भी करके? कुछ भी करो आप। भाभी जी बुकी करो। भाभी करो भाभी जी। भाजी कुछ भी करके फोन छुड़वा दिया भाजी। दबर 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 यार, ये नहीं कोई दूसरा तरीका अपनाओ भाजी। ये दूसरा ही था, पहले तो मैं बनाया नहीं। दबर 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 भाजी। हेलो पापा, पापा दबर दबर लागू। हाँ पापा, हाँ पापा मेरी क्लिनिक से लड़की निकलेगी, उसका मोबाइल छीन लेना भाई। भाजी ऐसे कैसे मेरा फोन छीन लेंगे? हाँ मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरे पापा पुलिस में भाजी। दबर दबर भाजी दबर दबर भाजी। हैशटैग मोटा नाक, हैशटैग एक्ट के बीच में स्टैंड अप, हैशटैग आई एम ओनली गिविंग क्यूज, हैशटैग थर्ड एंट्री के बाद भी सबसे ज्यादा लाइन है। अरे यार यहाँ तो फोन छोड़ दे मेरी वाइफ, यहाँ फोन छोड़ दे यार। आपको पता है एक दिन मेरी माँ के जोड़ों में दर्द हो रहा था, वो कहती बेटा डंडी ला दो। कहती कहाँ से डंडी ला दूं, नेटवर्क पे तो एक भी डंडी नहीं आ रही। कल ये गुप्ता जी के अंतिम संस्कार पे गई, वहाँ स्टेटस डाली है फीलिंग बर्न विद गुप्ता जी एंड फोर अदर्स। यार आप इसका फोन छुड़वाओ वरना मैं इसे छोड़ दूंगा। सच में छोड़ दोगे भाजी? छोड़ दूंगा मैं तो भाजी। बीविंग 502 में छोड़ना भाजी। बीविंग 502 क्या है? मेरा घर है भाजी। बकवास बंद करो, मैंने आपको एक फोटो भेजी वो चेक करो। एक मिनट भाजी। क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? ये ज़ूम करके देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब ज़ूम करनी है, स्क्रीन ज़ूम करो, ऐसे ऐसे। पाजी ऐसे भी हो जाता है? हमारी पूरी फैमिली ने ऐसे ऐसे करके अपनी आंखों के पिक्सल पाट लिए पाजी। फीलिंग अर्चना, हैशटैग भूख लगी, हैशटैग बिरयानी, हैशटैग सोहेल खान। दो मिनट, ये बिरयानी अचानक से किधर से आ गई? अभी जहाँ करिश्मा होती है वहाँ अपने आप फंबल आ जाता है, तो जहाँ सोहेल खान होता है वहाँ अपने आप बिरयानी आ जाती है। ओ भाई, ओ भाई। मेरे को तो लगता है ये पूरा पागल है। आपको कैसे पता चला भाजी? मैंने तो अपनी डिग्री भी छुपा के रखी पागल वाली। हमें सिद्धार्थ भैया ने बताया था कि आप उसके बगल वाले बेड पे ही थे, है ना? है ना? अभी इसको करंट लगाना पड़ेगा। दगर भाई। दगर दगर भाई। करंट लगाना पड़ेगा। दगर 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 भाई। दगर। दगर 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 दगर। हैशटैग शो बंद। इस शख्स को बहुत बड़ी टेंशन है कि मर्दों को आज के जमाने में उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो लड़कियां ताली बजाएं ना बजाएं, लेकिन लड़कों को तो ताली बजानी ही पड़ेगी, है ना? तो बहुत ज्यादा अच्छी, इनके लिए जोरदार सीटियां आ जाएं आज। अर्चना जी ग्रैंड फिनाले आज। हाँ आप सोच रहे होंगे ये मुंह में क्या चबा रहा है ना, वो 52 एपिसोड का लॉलीपॉप था, आज खत्म हो रहा है। ग्रैंड फिनाले मतलब सीजन खत्म होने वाला है, सब लोग उदास हैं। मुझे लगता है होना भी चाहिए, क्योंकि शूटिंग पूरे सीजन की कर ली, पेमेंट एक एपिसोड की नहीं दी इन्होंने। आपको पता है मैं आज स्टैंड अप क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जैसे मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं ना, कि बताओ भाई, ऐसे मेरे से भी पूछी, कहते खत्म हो रहा है भाई कुछ बाकी करना। मैंने कहा स्टैंड अप मेरी पहली आखिरी सेम होती है, तो बोला चलो कर लो। लेकिन आज ना यहाँ पर सिर्फ सच बोला जाएगा।
ओह अच्छा। जो हमारे समाज में मर्दों पर अत्याचार होते हैं, लोगों को लगता है कि मर्दों पर अत्याचार नहीं होते, मैं बता रहा हूँ सर, ये जो बोलते रहते हैं ना कि औरतों से भेदभाव होता है, ये सिर्फ मर्दों से होता है। और मैं आज वो सच बोलने आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि आखिरी एपिसोड है, क्या उखाड़ लेंगे मेरा। सच बोल के जाते हैं। आप देखो, हम लोग एक हफ्ता स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत करते हैं राइटर के साथ, लंबी लंबी लाइनें याद करते हैं, रिहर्सल पर टाइम पे आते हैं, हमको 2 लाख रुपए, और सना लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल 4 लाख। कितना भेदभाव है। सुहेल भाई के साथ भी बड़ा अत्याचार होता है यहाँ पे। आप देखो, आप कितने प्यार से बोल देती है, सिद्धू आई वॉन्ट टू टेक यू होम। सारे लगते हैं कितनी प्यारी जज है। सुहेल भाई करिश्मा को बोल दे आई वॉन्ट टू टेक यू होम, उनको थाने से घर ले जाने के लिए सलमान भाई को खुद आना पड़ेगा। भाई साहब, इसका वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। क्योंकि हम मर्दों की सारी जिंदगी ना सिर्फ ये बात बोलने में निकल जाती, मेरा वो मतलब नहीं था। सच्ची बात है। आप देखो, कोई लड़की अगर लड़के को आधी रात को मैसेज कर देना, सबको आते होंगे कि मैं घर पे अकेली हूँ, प्लीज रात को घर आ जाओ, तो लोगों को लगता है डर रही होगी यार, इसलिए बुलाया होगा। यही एक लड़का लड़की को मैसेज कर दे, एक लड़का लड़कियों को मैसेज करते ना, मैं घर पे अकेला हूँ रात को आ जाओ, 4 दिन बाद कोर्ट में बोल रहा होता है, जज साहब मेरा वो मतलब नहीं था। इनका चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, पता नहीं कौन कौन सा डे, हमारा मेंस डे होता है, वो भी टाइम पे विश नहीं करती। अभी मेंस डे निकला तो मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड ने 1 हफ्ते बाद विश किया। मैंने कहा जानू, वो निकल के कहती अभी तो मर्द नहीं है, अभी ले ले। आप देखो, अगर यहाँ पर कोई भी लड़की जीन्स पहनकर आ जाए, सूट पहनकर आ जाए, फॉर्मल्स पहनकर, आप बोलते हो शी इज लुकिंग कूल, बिंदास, शी इज वेरी मॉडर्न। मैंने कल साड़ी पहनी, मेरे को सिग्नल से पुलिस वाले उठा के ले गए। आप बोलते मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है, उठा के ले गए। मुझे दुख इस बात का कि नीचे चेक नहीं किया कि पैंट पहनी हुई थी, सालों मजाक में था मैं। कल मैं आ रहा था अर्चना जी रिहर्सल पे, रास्ते में एक लड़की की ना स्कूटी गिर गई। स्कूटी को उठाने 5 लोग आए, लड़की को उठाने 20। वहां बगल में एक लौंडा गिरा पड़ा है बेचारा, वो बोल रहा है मेरे को उठा लो, और तेज चला साले। अच्छा एक और बात, ये आप बिल्कुल रिलेट करोगे। आप देखो, औरतों को मैटरनिटी लीव देती है हमारी गवर्नमेंट। जिस बंदे की वजह से छुट्टी मिल रही है, वो संडे को भी काम कर रहा है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम मर्दों के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हो। कपड़े, छोटे बाल, हरकतें, सब इन्होंने ले लिया। एक बाइसेप हमारे पास थे, उसमें भी ये कंपटीशन दे रही है सुहेल भाई को। मेरे को इन लड़कियों की समझ नहीं आती। टैटू बनाया होता इन्होंने ड्रैगन का, जान इनकी कॉकरोच देख के निकल जाती। मेरे को ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो फिल्में हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है ये हमारा सत्यानाश करने में मर्दों का। आपने सुल्तान देखी? भाई देखी है, हमने अच्छी फिल्म है यार। आप मतलब सुहेल भाई, आप देखो सुल्तान में सलमान भाई जाते हैं कोच के पास कि मुझे रेसलिंग सीखनी है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड भी रेसलर है, तो मेरे को उससे शादी करनी। 500 करोड़ कमाए फिल्म ने। अब उमराव जान में अगर यही बात अभिषेक बोलता कि मेरी गर्लफ्रेंड मुजरा करती है, मेरे को भी मुजरा सीखना, मैं बोल रहा नहीं तो पिटी पिटी पुरानी भी पिट जानी थी इस चक्कर में। मेरा एक ही सवाल है, क्यों? Why ladies first? अगर आदमी को प्रेशर है पहले उसको जाने दो, बी फ्लेक्सिबल। क्यों हर जगह पर माँ की ममता, बाप की एटीएम का जिक्र क्यों नहीं? आप रोड पे जाओ, बड़े बड़े ट्रक लगे होते हैं, पीछे लिखा होता है माँ का आशीर्वाद, उसकी इंस्टॉलमेंट बाप भर रहा होता है। हम मर्दों की लाइफ में 3 स्टेज होती हैं। जितने भी लड़के हैं ना सारे कवारे शादीशुदा, सबको पता है कि लाइफ में 3 स्टेज होती हैं। जन्म, आते हुए धनिया लेके आ जाना, और मौत। बेचारे। मेरी ना गर्लफ्रेंड थी अर्चना जी, मैंने कहा तू रात को मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? कहती पापा पूछते हैं किससे बात कर रहे हैं। मैंने कहा तेरा बाप ये नहीं पूछता मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास। मैं जब छोटा होता था ना घर में, तो मेरी बहन बोलती थी पापा मेरे को पॉकेट मनी में 50 रुपए चाहिए, उसको 100 रुपए दे देते थे। मैं गलती से 10 रुपए मांग लू ना, केबीसी का अमिताभ बच्चन बन जाते, क्या करेंगे इतनी धनराशि का आप? इतना भेदभाव, मतलब
आप देखो कभी मेरे को मेनू का याद है दीदी ने कभी बोला होगा ना कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, बोलते थे मेरा राजा बेटा कोई बात नहीं कल चले जाना, स्कूल कौन सा भागा जा रहा है। मैंने एक दिन बोल दिया मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे को इतना मारा स्कूल वाले घर आए, कहते भाई साहब मैं तो राजा करेंगे पढ़ाने बच्चे को मारो मत। मतलब सुबह नाश्ते में 3 थप्पड़, दोपहर को लंच के बाद 3 थप्पड़, रात को खाने के बाद 3 थप्पड़, धुलाई इतनी करते थे मेरे को तो कभी कभी ये लगता था ये थप्पड़ नहीं है मल्टी विटामिन की गोली है, डॉक्टर ने लिख के दिया बच्चा खाएगा नहीं तो बड़ा नहीं होगा। ये सब सच बता रहा हूँ, मैं कोई कॉमेडी करने नहीं आता है, जो लाइफ में मैं वो बता रहा हूँ, आपको भी पता है आपने भी बड़ा किया बच्चों के साथ अपने, इसीलिए भागे ना अमरीका किया होता, नहीं किया होता तो यही भी होते कि नहीं। मतलब हम मर्दों का इतना बुरा हाल है भाई साहब, मैं उस दिन मम्मी के पास खड़ा था, मम्मी कहती बेटा एक नया कानून पास हो गया। मैंने कहा कौन सा? कहती अब औरतें भी टैक्सी चलाया करेंगी। मैंने कहा मतलब ना हमारी घर में चलती थी ना दफ्तर में चलती थी, अब रोड पे भी नहीं चलेगी। मतलब हर जगह औरतें घुस गई हैं। तो मम्मी कहती बेटा हम तो हर जगह घुस गए हैं, तुम लोग किचन में कब घुसोगे। मेरे को उस दिन समझ में आया कि नहीं यार मजाक अपनी तरफ है, जो काम ये औरतें कर लेती हैं हम नहीं कर सकते। गाड़ी चलाना आदमी सीख के चला सकता है, कॉमेडी करनी आदमी सीख के कर सकता है, लेकिन आप माँ सीख के नहीं बन सकते। तो सल्यूट है वुमेन पावर को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो हम मर्द हैं ना, हम भी, हम भाई भी हैं, हम बेटे भी हैं, हम दोस्त भी हैं, हम सिर्फ वो नहीं है जो आजकल चल रहा है, हम भी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। दुनिया में 7 अजूबे होते हैं, है ना? 8 अजूबे होते हैं। 8वां अजूबा है आजकल के न्यूज एंकर्स। न्यूज होती भी नहीं है ना तो वो न्यूज बना देते हैं। तो ऐसे ही न्यूज के बदलते ढंग को कॉमेडी के अंदाज में पेश करने आ रहे हैं हमारे मुबीन सदागर। नमस्कार। इससे पहले कि मैं खबरों का सिलसिला शुरू करूं, मैं अपना लैपटॉप ऑन कर लेता हूं। हाँ, मेरे लैपटॉप का पासवर्ड क्या था यार? हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, एंटर। ये क्या रॉन्ग पासवर्ड? ओ अच्छा, आगे का लिखना तो भूल ही गया। उडले ही उ। तो खबरें शुरू करते हैं। 5 साल के बाद नेता नींद से जागा, शक्कर मांगने आया पड़ोसी, पत्नी को लेके भागा। नेताजी के घर बेटा हुआ, सब मना रहे त्योहार है, नेताजी बोले इसका श्रेय मैं अकेले नहीं लूंगा क्योंकि हमारी गठबंधन की सरकार है। अच्छा जी सोहेल भाई, ये सारा सेटअप देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज न्यूज की बातें करने वाला हूँ। न्यूज चैनल वाले हमारे इतने टैलेंटेड हो गए हैं कि 30 सेकंड की खबर को खींच खींच के 3 घंटे की खबर बना देते हैं। अभी जैसे हमारे नेताजी अमेरिका के दौरे पे पहुंचे नहीं थे, उस खबर को खींच के बड़ा बना दिया। अभी भी खबर आ रही है कि नेताजी अमेरिका पहुंचे, नेताजी ने अपना देसी हाथ विदेशी हाथ पे रखा, हाथ मिलाते वक्त उंगलियां भी जुड़ी हुई थी। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से खुजली खेल रहे हैं। शुरू अमेरिका से होते हैं लेकिन इनकी 25वीं खबर पहुंचे तक ये नाला सुपार पहुंच जाते हैं। इनकी हेडलाइन बदल जाती है, जिला गोंडा में 4 लड़कियों ने छेड़ा एक अकेले पुरुष को, देश के अधिकतर पुरुषों ने करवाई जिला गोंडा की 1-वे टिकट। आइए दूसरी खबर दिखाते हैं लाइव। कई बार तो खबर चल रही होती है शराब के ऊपर, जहरीली शराब पीने से हुई 5 लोगों की मौत। कौन है जो इस तरह से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, कानून को ठेंगा दिखाकर नशा बेच रहा है, कौन है ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद इनके स्पॉन्सर का पता चलता है। हमारी इस न्यूज के स्पॉन्सर है बब्बन छाप खैनी। ये नशा नहीं आदत है। और सह प्रायोजक है ममता वाइन, हर घूट में माँ का प्यार। अच्छा न्यूज चैनल में अगर राशिफल ना दिखाया जाए तो न्यूज कंप्लीट नहीं होती। हर कोई अपने तरीके से राशिफल दिखाता है और जो राशिफल बताते हैं वो कैरेक्टर भी अजीब ही होते हैं। आज हम बात करेंगे राशि की सबके सामने, क्योंकि एक बार अकेले में राशि देखा था, उसके घर वाले ने बहुत मारा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कन्या पे, मेरा मतलब है कन्या राशि पे, यानी कि अभिलाष की राशि। इस राशि के जातक तुरंत कॉमेडी छोड़ें, और अगर फिर भी जिद में करना चाहते हैं तो क्या करें, हर शनिवार सोनी पे कॉमेडी सर्कस देखें और करिश्मा का एक्ट देखें और सीखें कि जो ये करती हैं वो बिल्कुल ना करें। अब
बात करते हैं मीन राशि की. मुझे लगता है ये राशि बलराज की होगी, बिकॉज ही सो मीन, बच्चों के पंच काट लेता है. इस राशि के जातक तुरंत अपनी चोटी कटवाएं, क्योंकि चोटी रखने से कोई चोटी का कलाकार नहीं बन जाता है. अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, यानी कि करिश्मा शर्मा की राशि. इस राशि के जातक अपनी ही राशि का नाम बार बार लें, इससे होना हो इनके फंबल ठीक हो जाएंगे. आपका शुभांक है 3. हो सकता है आज 3 फंबल ही मारे आप, और हो सकता है आपकी लाइनें भी सिर्फ 3 ही हो. अब बात करते हैं सिंह राशि की, यानी कि ओजस्वी की राशि. ओजस्वी की राशि खैर नहीं करते, क्योंकि जिनकी बात कोई नहीं करता उनकी हम क्यों करें. कभी कभी न्यूज वाले कभी अच्छी खबर सुनाते हैं, कभी बुरी खबर सुनाते हैं. मैं सोचता हूं अगर दोनों खबरें एक साथ सुनाई जाए तो किस तरह की खबरें होंगी. नमस्कार, अच्छी खबर, अर्चना जी को मिला जज ऑफ द ईयर का अवार्ड. बुरी खबर, सिक्योरिटी वाले ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया. अच्छी खबर, सोहेल ने सना को अपनी फिल्म में लिया. बुरी खबर, फिल्म में सना के डायलॉग भी हैं. अच्छी खबर, अर्चना जी के बाल आज बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं. बुरी खबर, पैकअप के बाद उनसे विग वापस ले ली जाएगी. अच्छा, कुछ न्यूज वाले होते हैं इनका तकिया कलाम इतना फनी होता है कि न्यूज को फनी बना देता है. जैसे एक न्यूज रिपोर्टर का तकिया कलाम था कुत्ते के जैसे. अब वो खबर सुना रहा है लेकिन सुहागरात की लाइव खबर दे रहा है, तो किस तरह से खबर सुना रहा है? नमस्कार, अब हम आपको बताएंगे सुहागरात लाइव, सबसे पहले हमारे चैनल पे कुत्ते के जैसे. ये देखिए, दुल्हन के अंदर आते ही दुल्हे ने कुंडी लगाई कुत्ते के जैसे. दुल्हन ने दूध का ग्लास उठाया, ये देखते ही दूल्हे की जुबान बाहर आ गई कुत्ते के जैसे. ये क्या, ये दूल्हा धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? अबे ये तो मैं ही हूँ, ये किसने मेरा पर्सनल वीडियो चला दिया? अरे बंद करो, अरे किसने चला दिया, बंद करो. खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया कुत्ते के जैसे. अब आप ही बताइए आपको कैसा लगा अच्छे जैसे. थैंक यू, हमने एंजॉय किया कुत्ते के जैसे. थैंक यू सो मच. अगर ग्रैंड फिनाले वीकेंड में कुछ ग्रैंड नहीं हो तो मजा नहीं आता है ना, तो आज की नाइट को और भी ग्रैंड बनाने के लिए यहाँ पर होगा एक ग्रैंड मुशायरा. तो जोरदार तालियां, नहीं भी बजाओगे ना तो वो लोग आएंगे. सो प्लीज वेलकम दिव्यांश, परितो, सिद्धार्थ, सना, मुबीन एंड अनीता. स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुशायरे में. शुक्रिया आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आए हैं. खैर सागर पगलेलू जी, शुरू करें. सुनिए कि शुरू करता हूँ कि इनकलाब लिखता हूँ मैं, इनकलाब लिखता हूँ मैं जब कलम होती है मेरे हाथ में. इनकलाब 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 लिखता हूँ मैं जब कलम होती है मेरे हाथ में. बात हुई थी शायरों की, ये तकिया कौन लेकर आया है साथ में? भाईजान ये तकिया आपका है क्या? तकिया जैसा बच्चा? नहीं हमारे नहीं है. अरे हम पर शेर मारोगे ना, कसम से बता रहे मुंह पर पान थूक देंगे हम. और मुंह हो जाएगा तुम्हारा लाल, और पीछे से छोड़ देंगे सांड. तू बोल सांड, रेडी हो? भाई क्या बात है, बल सांड से कोई याद आता है. छोटा सा शेर अर्ज कर रहा हूँ इन पर कि तू अपने नसीब को रो रहा है. कि तू अपने नसीब को रो रहा है या शायरी चल रही तू सो रहा है? मुगल सराय आ गया क्या? नहीं दिक्कत है, चलते ट्रेन से उठा के लाओगे तो शायरी ऐसी होगी. वजन है जहाँ जहाँ से शेर चुराए हैं, सुनिए. वजन है बालों का फिर भी ढो रहा हूँ.
वाह वाह, वजन देखिए साहब, वजन है बालों का फिर भी ढो रहा हूँ। खूबसूरत हसीनाएं बैठी हैं दरमिया, इसलिए आंख खोल के सो रहा हूँ। और सुनिए, मुझे थप्पड़ मारने वाले शायरों के मोगली, अर्ज किया है कच्ची पिया है, हाँ। अर्ज किया है तू इंसान है, हालांकि थू बनता है, तू इंसान है या साया है, तू इंसान है या साया है, ये बता बाल नुचवा के कहां से आया है। एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, करो करो, ये बाल ये बाल नुचा नहीं है। अच्छा, ये बाल नुचा नहीं है, ये बाल नुचा नहीं है, ये कंघी से खड़ा है। तुमने बालों पे ध्यान दिया, मुंह नहीं देखा, ये भी तो सड़ा है। जो आपकी एड़ी है बहुत गंदी दिख रही है। अब एड़ी नहीं, मुंह है मेरा। मुंह है, फिर सोचो कितनी गंदी है। भाई मुझे लगता है जो ऊपर वाला आपको बना रहा था ना, किसी ने पीछे से उसका हाथ हिला दिया। मैं आपको अपनी खूबसूरती का राज बताने जा रहा हूँ। अच्छा, ये मारेगा ये। मैं अपनी खूबसूरती का अर्जुन जी, आप जरूर ध्यान से सुनिए खूबसूरती की बात। मैं खूबसूरती का राज बताने जा रहा हूँ। मैं अपना नहीं हूँ, मैं पराया हूँ। मैं अपना नहीं हूँ, मैं पराया हूँ। मैं सुबह तेजाब से नहा के आया हूँ। क्या बात है भाई, ये जो तेजाब वाली बात आपने कही, इससे मुझे भी कुछ याद आया। इरशाद। हाँ, मैं हूँ तेजाब, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ से आए तेजाब। तुम क्या समझती हो मोहिनी कि मैं तुम्हारे प्यार की खातिर क्यों दूर आया हूँ, बेवकूफ लड़की। अच्छा सुनिए, एक चीज, तेजाब का जिक्र कोई नहीं करेगा, इनको अनिल कपूर की एसिडिटी होने लगती है। अच्छा, अब एक शायरी। क्या बात है, वाह सुनिए, जरा सुनिए, महिलाओं की जरा इज्जत करा करिए, खास करके वो महिला जो हमारी क्रश हो। क्रश, सुनिए बेटा, तुमसे बड़ी कलम से हम बेवफाई लिखते हैं। और दूसरी बात, जिनको तुम क्रश कह रहे हो बेटा, तुम्हारे कद से बड़ा नुक्ता होठों पे लेके घूमती है। अच्छा, मैंने भी अर्ज किया है। कुत्ते की तरह होती है, कुत्ते की तरह होती है हर। बहुत शुक्रिया। फिर से शुक्रिया किस बात का? आपने मुझे जिक्र किया मेरा। नहीं, मैंने कुत्ता कहा था। कुत्ता कहा, घर कब बुला रही है? कुत्ते की तरह होती है हर लड़के की फितरत ढीठ। शुक्रिया। हुस्न हुनर के झगड़े में होती है हुस्न की ही चीख। जब जब सुनो सुनो, जब जब तू शायरी सुनाती है, जब जब तू शायरी सुनाती है, कसम बताएं हमें आंखों से भी उल्टी आती है। ये शायरी पे दाल ना हमारी लाइन आ रही है, ना अशना की आ रही है, ना अनीता की आ रही है। अबे मुशायरा है कि बलराज का एक्ट है यार, बच्चों और औरतों को दबाया जा रहा है, बता रहे हैं। एक मिनट, ये कहने के लिए खड़े हुए थे? ऐसी बात है तो हम औरतों की जिक्र करेंगे, औरतों की तारीफ करेंगे। सना, घर का बुला रही हो। आज बहुत खुश नजर आ रही हो। वो मैं इतने दिनों बाद टैलेंटेड लोगों के बीच में बैठी हूँ ना। सही कहा। अर्ज
किया है कि शहर में जगह नहीं है फिर भी लोग बसे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुंह तेरा बिलार की तरह है, दांत क्यों धसे हैं? ठठाया है। वैसे सच्ची बोले अगर आपके दांत बाहर होते ना, हम कहते आपके दांत ऐसे ही या किसी ने अंदर बैठ के मुक्का मारा है। वाह वाह। लेकिन कुछ भी कहें सना जी, हम आपके आशिक हैं और आपकी आशिकी पे एक शेर अर्ज करना चाहते हैं कि आशिक को किसी भी बात का डर नहीं, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये इनको ना उसी जंजीर से बांध दो जिसका इन्होंने डायलॉग बोला है। वाह वाह वाह, क्या बात है। दूसरी लाइन, दूसरी लाइन। ये पानी का ड्रम पागल हो जाता। बस आपसे कुछ महक आ रही है। वो हमने पी हुई है ना, इसीलिए थोड़ी अलग महक आ रही है। हाँ तो हम पी के नाले में भी तो गिरे थे। अनीता जी, आप प्लीज मुझ पर ध्यान दें, क्योंकि आप पंच तो दे नहीं रही हैं। ध्यान दें, आप मेरे पर ध्यान दें। आप ये फर्ज कर लें इस महफिल में मैं और आप तन्हा बैठे मारब तन्हा बैठे ठीक है, कोई नहीं है इस कमरे में, बंद कर लो दरवाजा, कि जुबान तो खोल नजर तो मिला, जुबान तो खोल मुंडी जल्दी बात है ना, इसे आप सबको डब के मर जाना चाहिए। बात खोल, नजर तो मिला, आवाज तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ जिंदगी, हिसाब तो दे। तकिया इधर रखना, मेरे को इधर आओ। सुनो, तकिए पे आराम से बैठ के करने का मजा आता है। बच के रहो, बच के रहो। अनीता, मैं चाहता हूँ मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे भी देखें, कैमरा उधर है। मैं चाहता हूं अनीता, आज सरेआम मेरे मुंह पर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह यार, हम शायर, हमें दुख चाहिए, बोलो। ये लो, ये लो। अबे डर लो, ये लो। और चाहिए। मुझे दर्द नहीं चाहिए, दुख चाहिए। दर्द मेरे जोड़ों में भी है। नहीं, ये बात तो बजा फरमाया आपने। हाँ जी, हाँ जी। कि भाई, हम शायरों को जब तक दर्द ना मिले शायरी नहीं बन पाती है। हम लोग इसलिए जानबूझ के अपनी गर्लफ्रेंड को हैंडसम दोस्त से मिलवाते हैं कि बस इससे सेट हो जाए और हमें बेवफाई का दर्द मिल जाए। जैसे आप अर्चना जी को ही देख लीजिए, हम इसे इतना प्यार करते जानबूझ के हैंडसम सोहेल खान के बाजू में बिठाया है। हालांकि इसमें दर्द मिलेगा, लेकिन सोहेल खान को। अच्छा सना, बहुत देर से तुम भी चुप हो, बहुत देर से हम भी चुप हैं। सुनो, घर कब बुला रही है? सुनो, हेलो हेलो, अबे सुनो। नहीं, खुले में नहीं, खुले में नहीं। जॉन साहब, आप लड़की के चक्कर में मत ही पड़िए ना। तुम्हारी सगाई हो गई, हम ना पड़े साले। मैं आपको एक इत्तला दे रहा हूँ कि मेरा कल ही दिल टूटा है। अच्छा? मेरा कल ही दिल टूटा है, मेरी पत्नी का सैंडल मेरे दोस्त के घर पे छूटा है। ओहो। दोनों में से कोई कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि बीवी तो झूठी थी, मेरा दोस्त भी झूठा है। एक मिनट बेटा, आप कलम की तरह दिखते हो, शायर कहाँ है? अबे मैं ही शायर हूँ बे। बेटा, तुम शायर हो? बेटा, जब बेवफाई का सिर्फ शक होता है तो तुम्हारे इतने शायर पैदा होते हैं। घंटा नहीं, हमारा भी दिल टूटा है, बताना सना। क्या बोला? हमारा भी दिल टूटा है, छिले हुए अंडे, बता सना, बता। सना Oh my God! Oh
शना, टैलेंट से ना सही, हमारी आशिकी से तुम्हारा नाम बन गया। क्या बात है? क्या बात है? इसी बात पे शेर अर्थ है। वाह। कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार मशहूर है। क्या बात है? जीत से ज्यादा मेरी हार मशहूर है, तेरे टैलेंट से ज्यादा मेरी डकार मशहूर है। हमें भी इस बात पे एक शेर याद आया है। डकार पे याद आया आपको? नहीं, वो जो बास नहीं आती ना उसमें से आया। अच्छा। कि वो नहीं आती ना उसका खत आता है। वाह। वो नहीं आती ना उसका खत आता है। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी को पड़ता है आदमी उठता नहीं उठ जाता है। अनीता जी जरा हाथ दीजिए। जी। अरे हाथ पकड़ा है लड़की का, तुम लोगों का क्यों दिल जल रहे हैं? बेटा सुनो, ये जिस महिला का हाथ पकड़ के आप निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, ये इतनी बड़ी है कि आपके अब्बा को भी कह सकती बेटा इधर आना। एक मिनट बेटा, मैं तुम्हारे अब्बा जैसा हूँ, अनीता आ जाऊँ। किसी बात पे मैं फर्ज करती हूँ। फर्ज नहीं, अब मैं फर्ज होता है। आई नो पर मैं आप सबसे सीनियर हूँ तो फर्ज ही होता है ना? आपका फर्ज बनता है। बिल्कुल फर्ज बनता है। अपना पर्स खोलकर तुम सबको दिखा सकती हूँ मैं नीचा। मुझे नहीं मतलब, अपना पर्स खोलकर तुम सबको दिखा सकती हूँ मैं नीचा, तुम जैसे टुच्चे आर्टिस्ट के बस में नहीं है करना मेरा पीछा। क्या बात है? क्योंकि इस कदर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, 50 साल टीवी पर ना भी आऊँ ना, तब भी तुम सबसे बड़ी हूँ। क्या बात है? क्या बात है? जवाब जवाब इसका मेरे पास नहीं है, ये देगा। एक कुछ शेर याद आ रहे हैं। क्या रहे? चुप रहे। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अबे कौन है पीछे को खड़ा तो नहीं? ये कौन है जो? एक सेकंड, ये कौन है जिसको देख के आप शेर सुना रहे हैं? हल्का हल्का धुआं सा है मेरे अंदर हल्का हल्का धुआं सा है। कोई अंदर बैठ के बीड़ी तो नहीं पी रहा? मुझे लग रहा था मेरे कान पर कोई बीड़ी बुझा के गया। एक मिनट, इधर आइए। धूप में चलते चलते टैन हो गया। टैन नहीं, बाल उड़ गए। टैन भी हुआ। धूप में चलते चलते टैन हो गया। मैं चाहता हूँ क्यों नहीं तेरी शायरी पे तू बैन हो गया। धूप में चलते चलते टैन हो गया, मैं कहता हूँ हमारे यहीं एंड हो गया। ग्रैंड फिनाले वीकेंड में आज के लिए इतना ही, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम कल फिर आएंगे इसी वक्त इसी जगह आपको हंसी से लोटपोट करने, ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस।